भी रख सकते हैं, पर मैं अभी ऐसे ही आपको दिखाने वाला हूँ। भगवान का बहुत सुंदर सा ये इस तरह का रेक है। यहाँ पर छोटे छोटे पीस हैं, ये वाले जो पर्दे हैं ये मुझे 700 रुपये के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो ना, मैं इस वीडियो को बहुत दिनों से बनाने की तैयारी में कर रही थी। और आप सभी को पता होगा, और अगर आप सब नए हैं तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि हम इस घर में आए थे ना, तो हम लोग ना बहुत जल्दबाजी में पूजा करवा के फिर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। और काफ़ी दिन हो गया है, पर बीच बीच में कुछ ऐसा चलते ही रहा। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने इस घर के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं की है एक्स्ट्रा। तो फिर मैं धीरे धीरे, जो एक मैंने पिछला वीडियो आपको दिखाया था, उससे पहले का वीडियो में आप सभी को दिखाया था कि मैंने घर के लिए कुछ कुछ चीज़ें ली है। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक पर्दे भी नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि उसका रॉड नहीं था। और रॉड फिर मैं खरीदी। इस घर के लिए मैंने फर्स्ट टाइम कुछ शॉपिंग की है। और मतलब वैसे तो मेरे पास सारी चीज़ें है, और कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं पूरा ही ले लेती हूँ। फिर मैं इस घर में पर्दे वगैरह, मेरे पास था पुराने पर्दे, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे मैं नया लूँगी, सारी चीज़ें नई नई लगाऊँगी। तो मेरे मन में था, और अभी तक कुछ ऐसा लगा ही नहीं। पूरा विंटर हमने बिता दिया बिना पर्दों के। और वैसे इसमें कुछ वैसे ज़रूरत लगती नहीं थी, वैसे ख़राब लगता था, लेकिन वैसे बिना पर्दों के भी, जैसे कि रोशनी आते हैं ना विंडो से, तो हम लोग सुबह उठ जाते हैं, इतनी ज़्यादा कभी प्रॉब्लम हुई नहीं हमें। देखिए, यहाँ पर मैंने जितनी सारी चीज़ें ली है ना अपने घर को सजाने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें ली है मैंने। यहाँ पर देखिए पर्दे भी लिए हैं काफ़ी सारे, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिए हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर है जो कि मैंने, मेरी मतलब पहले की ली हुई चीज़ें जो कि कभी यूज नहीं हुई है, तो मैं इसीलिए लिया करती थी कि कभी मेरा घर बनेगा तो फिर मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें लगाऊंगी। तो फाइनली मेरा घर बन गया। काफ़ी मेहनत, मतलब कि आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत संघर्ष भरी स्टोरी है इस घर को बनाने के लिए, और काफ़ी सालों की मेहनत है हमारी। तो मैं मतलब कि अभी तो हम लोग रहना स्टार्ट किए हैं, और विंटर में बहुत छोटा दिन करता था, अयाज को संभालते, घर का काम करते, तो और कभी कभी ब्लॉगिंग भी करती थी, तो उसमें मेरा सारा समय चला जाता था। मैंने बहुत बकबक कर लिया है, और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदारी की है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ ऑफलाइन है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैंने एक जगह से ही शॉपिंग की है। कुछ फ्लिपकार्ट से कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से ली है, कुछ अमेजोन से ली है, कुछ मीशो से ली है, और कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग जगह से मैंने ली है, और कुछ पहले की रखी हुई थी, तो वो सब मैं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से मैंने पूरे घर के लिए नई खरीदारी की है। अभी बस मैंने अपना जो लिविंग रूम है मेरा, वहाँ के लिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि पहले मैं उसको अच्छे से थोड़ा बहुत कर लूँ सेट, क्योंकि अब क्या है ना कि कोई भी अगर बाहर से गेस्ट आता है तो हम वहीं पे बिठाते हैं, तो इसी वजह से, और हम भी ज़्यादा टाइम वहीं पर रहते हैं क्योंकि वहीं पर टीवी है, तो टीवी भी देख, तो वहीं पर हमारा टीवी देखना हो जाता है, खाना वगैरह भी खाते हैं तो वहीं पर खाते, तो ज़्यादा वक्त हम वहाँ पर ही बिताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, ये मैंने, देखिए फ्रेंड्स ये ना कुछ ऐसा है वॉल पे लगाने के लिए, और ये देखिए कुछ ये इस तरीके से है, ये ना मतलब कि सेट होगा, इसके साथ ऐसे दिए गए हैं कील वगैरह, तो ये सेट होगा। और ये इमेज आप देख लीजिएगा कि ये सेट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें जो ये रेक है ना छोटे छोटे, तो ये जब मैं लगाऊंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से ये रेक लग जाते हैं, देखिए ये कुछ इस तरह, ये तो वैसे चार है, चार पीस में है, और ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह का रेक है। यहाँ पे हम छोटे छोटे पीस ना डेकोरेटिव आइटम जो होते हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि वॉल पे अगर लगेगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर देखिए कील्स वगैरह लग जाएगी, और ये चार है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से चार है, और इस तो ये है, और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने लिया था, ये दो पीस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का है, और
कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, मैंने काफी ज्यादा ऐसे पसंद करके ही लिया है। और देखिए ये कुछ ऐसा है, ये देखिए ये भी एक वॉल हैंगिंग आइटम है। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे हैंग करने के लिए है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी हम डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं और वॉल को अच्छे से सजा सकते हैं। तो कैसे लगा फ्रेंड्स? और ये ना एक नहीं है, ये दो पीस है, सेम टू सेम है। देखिए ये ऐसा है, पैक होकर आया था तो मैंने एक ही देखा है, तो कुछ ये ऐसा है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ये दो फ्लावर्स है, जो कि ये दो छोटे छोटे फ्लावर पोट है आर्टिफिशियल। ये मैंने बहुत पहले लिया था, ये मैंने मीशो से लिया। मुझसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से लिया है, तो फ्रेंड्स ये मैंने अमेजोन से लिया है। फर्स्ट वाला भी प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से लिया था, ये मीशो से मैंने लिया था। छोटे छोटे आर्टिफिशियल फ्लावर वॉल पर हैंग करके हम लोग यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम को सजा सकते हैं। ये देखिए कुछ और भी रख सकते हैं, पर मैं अभी ऐसे ही आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा आप सभी को। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने लिया है ये छोटा, मेरा लिविंग रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, तो मैंने ज़्यादातर वॉल पर हैंग करने वाली चीज़ें ली है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत सुंदर ना एक पोस्टर टाइप का है कृष्ण भगवान का। ये देखिए ये दो जो है ये साइड साइड में लगेगा, और बहुत सुंदर ये फोटो है, फोटो फ्रेम तो ये देखिए फ्रेंड्स ये राधा कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर सा ये फोटो है। और ये ना साइड साइड में लगेगा इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह से लगेगा, लगने के बाद ही अच्छा लगेगा। और ना पीछे ये तो ऐसा डबल टेप की मदद से हम चिपका सकते हैं, बहुत ये हल्का है, चिपक जाएगा। मैंने इसे लगाया था, पहले भी मैंने यूज किया है, तो फिर मुझे अच्छा लगा। और फ्रेंड्स एक इसी टाइप का ये है, जो कि मैंने काफ़ी पहले मैंने बुद्ध भगवान का मंगाया था। ये थोड़ा बड़े साइज का है, और साइड साइड में देखिए ये डबल टेप इसमें भी इस तरह का लगा हुआ है, साइड में इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये देखिए ये एक ऐसे लगेगा और ये एक ऐसे लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और ये वाला जो है ना, ये बुद्ध भगवान का थोड़ा बड़ा साइज का है, कृष्ण भगवान का थोड़ा छोटा साइज का है। और फ्रेंड्स ये मैंने एक रोल मंगा लिया है फ्रेंड्स, देखिए ये ना मेरे किचन में मैंने पहले भी यूज किया था, तो हाफ ही था, तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं ले लेती हूँ, तो वो वहाँ पे स्लैब पर बिछाने के लिए लिया है मैंने। ये देखिए वाटर प्रूफ है ये, तो अगर हम गीले कपड़े से पोंछते हैं स्लैब को, तो आसानी से ये साफ हो जाएगा इसके ऊपर, मतलब क्यों स्लैब के ऊपर मैंने बिछाने के लिए लिया है। ये कुछ इस तरीके का है रोल, ये देखिए काफ़ी लंबा है, और देखिए इतना है ये। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये एक मैंने स्टिकर लिया है, इसका कवर बच्चों ने फेंक दिया है, और इसे मैं कहाँ लगाऊंगी अभी आपको दिखेगा जब मैं इसे यूज करूँगी। तो ये काफ़ी सुंदर है स्टिकर, एक ही रोल लिया है क्योंकि एक से मुझे लगता है हो जाएगा। देखिए एक और ये स्टिकर है, जो कि मेरे अयान से ने वॉल को गंदा कर दिया है, तो मैंने सोचा कि जहाँ पर ये सूट करेगा तो वहाँ पर मैं इसे लगाने की कोशिश करूँगी, वरना फिर ये कहीं मतलब यूज हो ही जाएगा, मैं देखूँगी कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये एक स्टिकर है, और ये पिक आप देख लीजिएगा कुछ इस तरह से लगेगा दिखने, मतलब कि लगने के बाद, तो इसी वजह से मैंने लिया है। और इस तरीके का ये स्टिकर है, तो ये लगेगा तो फिर समझ में आएगा, और पिक में देख लीजिए पिक के जैसे ही ये यूज होगा। और फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कर्टेंस लिया है, क्योंकि घर में बहुत मायने रखते हैं कि हमारे घर के पर्दे कैसे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये दो मैंने अलग लिए हैं और दो अलग हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये विंडो के लिए लिया है, कुछ ऐसा है, दो है ये और 7 फीट का है ये। और फ्रेंड्स देखिए ये कुछ ऐसा है, ये थोड़ा वेलवेटी टाइप का कपड़ा है, और अंदर से कुछ ऐसा है, ये देखिए फ्रेंड्स अंदर से इस तरह से पॉलिस्टर टाइप का है, और ये बाहर से कुछ ऐसा वेलवेट फैब्रिक का है, प्योर वेलवेट नहीं है ये।
और फ्रेंड्स से पता है इसमें बहुत अच्छी जब लाइट पड़ती है ना तो शाइनिंग करता है ये। ये देखिए यहाँ पे देख, ये थोड़ा सा बरगंडी कलर, गोल्डन कलर इस तरह का ये यहाँ पे शाइन करता है। ये मैंने विंडो के लिए लिया है, मैं इसे विंडो में लगाऊंगी क्योंकि मैंने मोटा इस वजह से लिया है ना, क्योंकि हमारा विंडो जिस तरफ है उस तरफ से धूप आती है, धूप ना डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा डार्कनेस रखने के लिए घर को मैंने मोटा फैब्रिक का ये चुनाव किया है। तो ये कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स ये रखे रखे भी ऐसा हो गया है और सेम टू सेम फिर ये ऐसा है। अभी मुझे जब आया था ना तो मैं इसे खोल के देखी थी तो ऐसे ही मैंने फिर इसको रखा नहीं ठीक से, तो ये कुछ ऐसा हो गया है। लगने के बाद अपने आप ये अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये और दो कर्टेंस है, ये भी ग्रे कलर का है और ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा है। और ये थोड़े लाइट कपड़े हैं मतलब इसके, और ये कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स पता है ये चार पीस है, एक 5 फीट का है ये विंडो के लिए और ये एक 7 फीट का है। तो ऐसा है मतलब कि मैं मंगाई थी पहले एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने दो मंगा लिया और ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदारी की थी और इसको मैंने पहले लिया था, इसका फैब्रिक वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा तो अब आ गया है, तो फिर मैंने सोचा कि कभी जैसे चेंज करने का होता है कि हमारा मन भर गया तो इसे भी मैं यूज कर सकती हूँ। ये वाले देखिए फ्रेंड्स ये भी ग्रे कलर का है और ये इसका डिज़ाइन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा है, बहुत सस्ते ही मुझे मिल गए थे अमेजोन में, ये दो पीस मुझे मिले थे 220 या 25 रुपए का मिला था, नहीं फ्रेंड्स ये मुझे दो पड़े थे 350 रुपये का, ऐसे ही कुछ पड़ा था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है प्राइस। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है पता, तो लगने के बाद अब कैसा लगेगा अभी मैं आप सभी को शेयर करूँगी। और ये बहुत अभी, और फ्रेंड्स ये ज़्यादा महंगे नहीं थे, ये वाला मुझे पड़ा था 700 रुपये का, मुझे ये वाले जो पर्दे हैं ये मुझे 700 रुपये के दो पड़े और ये बहुत सस्ता था, रिजनेबल प्राइस का मुझे मिल गया था। ये दोनों एक ही प्राइस का था, बस 20-30 रुपये का अर्क फ़र्क है क्योंकि ये 5 फीट का था और वो 7 फीट का था इसी वजह से शायद। और बहुत अच्छी रेंज में मुझे मिल गए, बहुत अच्छा लगा ये। तो लगेगा फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी मेरी ये ख़रीदारी जो कि मैंने अपने नए घर के लिए किया है, तो आप सब बताइएगा कि कैसा लगा। मैं जब मैं इसे लगाऊंगी ना तो वो वीडियो जल्दी ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।